बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा है मुझे यहाँ से। और ये देखिए, ये यहाँ से जल टपकता रहता है अपने आप ही, इसीलिए इनका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। देखिए ये वो ब्रिज है जो बह गया था पूरा ना। आज बहुत दिनों बाद रात के टाइम आई हूँ, क्योंकि बारिश ना अभी थोड़ी सी कम हो गई थी, बंद हो गई थी बिल्कुल ही। शाम के मतलब 4 बजे थे जब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद बंद हो गई और सूख भी जाता है काफ़ी कुछ ना। तो मैंने कहा चलो आज रात के सीन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, तो उसकी भी सबको बधाई दे देती हूँ। और जो ये स्टैचू लगा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है नेता जो अमर जवान ज्योति पे, मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि एक ना झुमरू आचार्य बनर्जी हैं, उन्होंने मुझे ये वंदे मातरम, ये मुझे पता नहीं इसमें आएगी कि नहीं आएगी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सेव मेरे को ना एक्चुअली पूरा वो भी नहीं आ रहा, सेव आवर कंट्री एंड फाइट फॉर हर हिज फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस जी की ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम। फिर मुझे एक मूवी याद आई, द फॉरगॉटन हीरो 2004 की ये क्या कहते हैं मूवी थी जो मैंने और उन्होंने देखी, और सच में देख के ना मतलब हम हिल गए थे कि किस तरीके से संघर्ष किया था ना। सच में आप देखोगे ना उस मूवी को आपको उसमें मिल जाएगी ये यूट्यूब पे, उससे पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस मतलब वर्थ रखते थे कि उनका स्टैचू बने, इतनी तो उनकी वो थी। और ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे जिन्होंने अपनी जान दी थी, यंगस्टर थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे थे, तो उनका भी मतलब होना चाहिए ये सब ना। तो कल जाना है मुझे देहरादून, देखते हैं गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है, पैर भी देता है कि नहीं देता है। ट्राई करूँगी कि ऐसे रोड से जाऊँ, खुले रोड से, ताकि क्लिच ज़्यादा ना दबाना पड़े, क्लिच ब्रेक ना खेलना पड़े। मम्मी भी देख रही है द फॉरगॉटन हीरो, अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी लगती है इनको ऐसी मूवी। ये देखिए ऋषिकेश के हालात बारिश हो रही है लगातार, और ऊपर मणिकूट पर्वत पूरा फुल भरा हुआ है, और इधर पाथो विलेज भी नहीं दिखाई दे रहा। और अभी जा रही हूँ मैं विश्व सुंदरी के रेनू के पास उसका हालचाल पूछ के आती हूँ। वो हमने बोला आंटी आने के लिए थैंक यू, इसकी मम्मी पढ़ाई करवा रही थी बीमारी में भी से, है ना? बहुत शुक्रिया आंटी। तो तू ऐसे क्यों खड़ा पूरा नौटंकी अपनी मम्मी पे गया आंटी, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है ये, पर जबरदस्ती चिपका रखा था, है ना? कह रही मत दिखा, बहुत गंदी दिख रही हूँ, ये बीमार है, इसको मैं देखने आई हूँ और इससे कॉफी बनवा रही हूँ ये हमारे में भी मुझे नहीं छोड़ेगी को ना, ये खेलना था गेम इसलिए कह रहा था ये। आज देहरादून जाना है बैंक, और जरूरी काम है अर्जेंट, और हालात देखिए जाना तो पड़ेगा, पर काम तो रुक नहीं सकते ना। ये बर्ड डेली आके बैठते हैं, किसी ने बताया कि बड़े रेयर हैं ये देखो और डेली ये यहाँ आके बैठते हैं, तीन ही हैं, तीन आके बैठते हैं, ये देखो ये जो पेड़ के जो दाने हैं ना, ये जो बीज से यही खाने आते हैं शायद। मैं आ गई हूँ सबसे पहले रेडी, और दिया अभी तक रेडी नहीं हुई है, और मम्मी पापा भी जा रहे हैं, देखते हैं। एक मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर, इसकी तो काफ़ी हिस्ट्री है, उसकी तो बताऊंगी आपको, मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली में, अब पता चला है तो ज़रूर दिखाऊंगी आप। तो आज फाइनली इतने दिनों बाद, एक महीना हो चुका है ना शायद, एक महीने से ज़्यादा, उससे ज़्यादा अब गाड़ी निकली। अब
तो मम्मी ने गाड़ी मोड़ के अब हम वहाँ से जो क्योंकि ना वहाँ से क्लिच ज्यादा दबाना पड़ता है, तो भद्रकाली वाले मंदिर से हम जा रहे हैं। ये कुछ रिपेयर चल रही है इधर, तो ये रोड बंद किया हुआ है। यहाँ के नज़ारे अलग ही है, दूसरा नहीं बहुत सारे आ चुके हैं। सस्त धारा धारना इधर है, देखिए ये वो ब्रिज है जो बह गया था पूरा ना, ये देखो इस पे काम चल रहा है अभी। ये अभी बरसात जब आई थी ना तो ये गिर गया था ये पूरा ये ब्रिज। मैं भी कहूँ वो ब्रिज कहाँ है, तो है? आइए वही तो ब्रिज है, ऊपर से जाता था जो नीचे बनाया था भाई, वो मजबूत बनाना कभी फिर बह जाए। मीना भी यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ से मोड़ लिया है, यही का हमेशा यहीं से मोड़। हाँ यहाँ का अच्छा लगता है, शहर में जाना ना अच्छा नहीं लगता, जाना तो बाद में है ही। फाइनली शहर में से आना पड़ गया क्योंकि बार बार गूगल है ना इधर ले जा रहा है, तो मैंने कहा चलो इधर से ही चलते हैं। इस हॉस्पिटल में चाहे कुछ भी हो जाए ना, कभी मत जाना, बहुत बेकार हॉस्पिटल है ये। पहले तो हमें मंदिर जाना था, फिर ना बैंक बीच में पड़ा रास्ते में ही, बैंक था 2.5 किलोमीटर और मंदिर दिखा रहा था उससे थोड़ा सा आगे 6 किलोमीटर दिखा रहा था कुछ, तो मैंने कहा बैंक जा। और एक और स्टोरी है वो भी शेयर करूंगी ऋषिकेश के बारे में बाद में दूसरे किसी उसमें वीडियो में। ये आ गई देहरादून की मार्केट, देख लो ये भी बैंक जा रही हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पता नहीं कहाँ पे है। कल शर्मा जी का दिल्ली से मैसेज आया कि कोई कार्ड देने के लिए आ गया है, और कार्ड जबकि शिवांगी ने ऑनलाइन बंद ही डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया फिर भी बंद नहीं हुआ, कल कार्ड आ गया और उसके अंदर 1 रुपया नहीं है। अभी अच्छी पेनल्टी लगा देंगे अगर हम नहीं गए तो। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मम्मी बैंक गई और जल्दी आ गई, तो अब हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। और बारिश भी टपकने वाला पूरा मौसम भी टपक रहा है, तो टपकेश्वर महादेव मंदिर। अब हम जा रहे मसूरी, इसने गलत टर्न करवा दिया बातों बातों में ना, तब हम मसूरी जा रहे हैं। इसने रोड मेरे को गलत बताया, मसूरी जा रहे। ये आ गया टपकेश्वर महादेव मंदिर। ओहो बहुत देर बाद आज सोमवार के दिन ही हम दर्शन करने आए हैं। मुझे पता था बारिश तो मिलने वाली अच्छी खासी। मंदिर में ना सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, इसलिए मम्मी पापा को पहले भेजा मैंने, मैंने कहा आप जाओ धीरे धीरे, मैंने कहा हम कार उसमें पार्किंग में खड़ी करके आते हैं, मैंने कहा आप आराम आराम से पहुंच जाओगे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से। ये गुरु द्रोणाचार्य हैं। अब मैं एक बात बता दूं कि गुरु द्रोणाचार्य जी का महादेव मंदिर से क्या रिश्ता है। ये इनका निवास स्थान यानी कि घर था, और जब अब कौरव और पांडव को कौन नहीं जानता, ये उनके गुरु थे। जब पांडव अज्ञातवास में गए उस टाइम मम्मी द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे आके एक शिवलिंग की स्थापना की जिसमें हमेशा जल टपकता रहता है, उसको टपकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये माता वैष्णो देवी की गुफा, और कहा जाता है कि यहाँ पे सांप बहुत रहते हैं, आपको ऐसे दिख जाएंगे, पता नहीं अभी तो नहीं दिख रहे क्योंकि बारिश का टाइम है, वैसे मैंने सुना बहुत है इधर, और सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे। देखिए यहाँ की सारी गुफाएं ना नेचुरल जैसे होती है ना, ये काल भैरव जी हैं यहाँ के द्वारपाल। मंदिर में जाने से पहले सब यहाँ दर्शन करते हैं। बड़ी ही सुंदर गुफा है ये, देख लीजिए बिल्कुल नेचुरल। देखिए ये है टपकेश्वर महादेव जी, और ये देखिए ये यहाँ से जल टपकता रहता है अपने आप ही, इसीलिए इनका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। ये कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं पता, नहीं। तो पहले दूध की धारा बताते हैं, अब बोलते हैं कि जल की धारा आ गई है।
कुछ भी हो अद्भुत है। भगवान श्री कपिल मुनि इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, सब कुछ देखिए नेचुरल है ना। मतलब ये गुफा पूरी ना नेचुरल है और एकदम से ये महादेव और पार्वती शिव परिवार है पूरा। जहाँ भी ऐसे पिंडी बन रही है ना, ये माता की पिंडी बन रही है, तीन पिंडियां हैं देख लीजिए, वहां पे भी जल आ रहा है। और ये है अश्वत्थामा। एक बात महत्वपूर्ण है कि अश्वत्थामा का जन्म यहीं पे हुआ था, इसी जगह पे। उसमें अंदर होके आए हैं ना तो पैर भी एकदम गर्म है, तो गई ना। आरती होती है यहाँ पे, ये देखिए साक्षात शंकर भगवान। यहाँ के महाराज जी हैं तो मैं इनसे जरा विस्तार से एक बार पूछना चाहूंगी, आप खुल के बता देंगे जरा। एक तो कपिल मुनि जी की मैंने यहाँ पे फोटो देखी है, तो उनका बताइए। श्री भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के प्रेरणा स्रोत है। श्री पंचायत अखाड़ा दशराम परंपराओं में श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्माण के इष्ट देव भी हैं, इसलिए भगवान कपिल हम लोग उसे अखाड़े से हैं, दशराम परंपरा में पंचायत अखाड़ा से। और गंगा और जमुना के मध्यस्थ गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली जहाँ पे यहाँ विराजमान है, गंगा जमुना के मध्यस्थ बीच में, आगे गंगा है पीछे जमुना है, उनके मध्यस्थ में देहरादून है। अच्छा, तमसा नदी नीचे बह रही है। कौन सी? तमसा, तमसा नदी जिनके नाम है, जो गुरु द्रोण इस धराधाम पे जब चले उनका आकाशवाणी होती कि ये द्रोण तुम तमसा नदी के निकट जाकर के भगवान शंकर की उपासना करो, तब उन्हें मुक्ति की साधना मिलती है। भगवान शंकर का आराधना करना, भगवान शंकर प्रकट होना, तो भगवान शंकर ने गुरु द्रोणों को धनुष विद्या यहाँ पे सिखाया हुआ है, तो उन्हीं के नाम से द्रोण नगरी बना। पुनः फिर अलग अलग समय कल्प में चलता रहा, क्योंकि 6000 पुरानी बात है, जो स्कंद पुराण में बाबा के यहाँ का वर्णन आता है। अश्वत्थामा की जन्मस्थली है। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो अश्व की तरह जो आवाज आने लगा, तो उस समय जो भी गुरुजन रहे उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। कहा जाता है कि ये नदी के पास ना पानी वाले सांप बहुत हैं। अभी तो नहीं आएंगे, महाराज जी ने, दूसरे महाराज जी अंदर बैठे थे, उन्होंने बोला था जो पानी में रहते हैं उनको नाग बोलते हैं, क्योंकि वो नुकसान नहीं करते, और जो जमीन पर रहते हैं उनको सांप बोलते हैं, वो नुकसान करते हैं, मतलब काट लेते हैं, जहरीले होते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, देखिए नदी साथ में से बह रही है, ऐसे नेचुरल पहाड़, और सामने मंदिर है वहाँ भी चलते हैं। अभी हम ये माता के मंदिर जा रहे हैं, जैसे कि अभी पंडित जी के कहे अनुसार, जैसे ये तमसा नदी है ये, तो कुछ चीज़ मुझे भी याद आई बात कि श्री रामचंद्र और सीता जी ने भी जब वनवास में जाने से पहले, यहाँ नहीं लेकिन अयोध्या के आसपास कहीं कोई स्थान था, वहाँ पे तमसा नदी के किनारे बैठ के पूजा की थी। ये मंदिर का मैंने महाराज जी से पूछा, वो कह रहे कि समय को देखते हुए, जैसे शंकर जी शिवलिंग है तो माता वैष्णो देवी की गुफा और ये बना दी है, वैसे इनका कोई प्रमाण नहीं है, जैसे मंदिर बनते हैं उस तरीके से ही बना दिया गया है। ये कपिल मुनि जी हैं, यहाँ के जो अखाड़े के महाराज जी थे उन्हीं के गुरु जी हैं ये। ये भी गुफा है, नहीं आई है, दिया तेरी मम्मी आप ही जाओ। भगवानी शंकर गुफा, जय काली, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। ये एक गुफा और बनी हुई है नेचुरल, इसमें भी देखते हैं जाके, जब भी इसको वैष्णो देवी वाली गुफा कहते हैं, वाकई घुटने मोड़ के हम बने को उठाते। जय माता रानी, अरे वाह, अरे माता।
सच में वाकई मंदिर बहुत सुंदर है। अगर आप गर्मियों में आएंगे ना ये गणेश जी तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। ये सब ये देखिए कबूतर बैठे छोटा सा छुपा हुआ बारिश में, ये कितने सारे हैं। तो दिया को भी ठंड लग रही थी और मम्मी पापा को भी, मैंने कहा मैं ही जाती हूँ। यहाँ पे एक मुझे मंदिर और नज़र आ रहा है, आती हूँ तो पूरा दिखाई देती हूँ आपको ज़रा, है ना शानदार नज़ारा है ना। सच में ज़रूर आइए एक बार। और इतनी बड़ी बात नहीं पता थी कि गुरु द्रोण ने द्रोणा मतलब देहरादून उन्हीं के उस पर बसाया था, नाम पे पड़ा था नाम, जो कि अंग्रेज़ों ने चेंज कर दिया था। मेरे को नहीं पता था, आपको किसी को पता हो तो बताइए ज़रूर, मुझे तो यहीं आके पता चला। और एक बार ज़रा जाके तथ्य में और पहचाने क्यों देखिए, लेकिन मुझे उसमें दो लगा कि महाराज जी ने बोला स्वयंभू निकले हैं यहाँ से, लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसमें था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनको यहाँ पे अज्ञातवास में रह के शिवलिंग स्थापित किया था। मैंने भी जल को हाथ दिया, मैंने सोचा बहुत ठंडा होगा जैसे गंगा जी का आता है, लेकिन गर्म है। ये भवन का देखिए निर्माण कर रहे हैं सामने ही, क्योंकि मैंने बताया ना इनकी हिस्ट्री इतनी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही टपकेश्वर महादेव के सामने है तो माता का मंदिर बना दिया है। और बट टपकेश्वर महादेव जी का है यहाँ पे कि द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे, मैं फिर से जैसे महाराज जी ने बताया कि स्वयंभू है, मैंने जो फिर से बताया मैं सुनती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी और जब पांडव अज्ञातवास में थे तब इसकी यहाँ पे पूजा की थी, पूजा अर्चना की थी, और अश्वत्थामा का जन्म भी यही हुआ था जो मुझे पता है। और एक सबसे बड़ी बात जो महाराज जी ने बताई है वो भी जाके मैं चेक करूँगी कि द्रोण के नाम पे ही देहरादून का नाम पड़ा, गुरु द्रोण के नाम पे ही, जो कि बाद में अंग्रेजों ने बदल कर देहरादून रख दिया। ऋषिकेश का नाम पहले द्रोण के नाम से है, वो साइड में द्रोण आता, वो कहते हैं पूरा इसका विष्णु जी के नाम से, द्रोणाचार्य का देहरादून के। देखा एक बच्चे को दो बात तो पता चल गई है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जगह बहुत अच्छी है सच में, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ देखो पेड़ है। मम्मी मेरी यही बोल रही थी, कह रही यहाँ पे इतने पेड़ हैं, जंगल ही जंगल है। मैंने कहा मम्मी दिल्ली और उसमें यही फ़र्क है कि पेड़ है तो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, चले पेड़ पूजा करें।